अपना दल एस की संकल्प रैली में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चाहे सरकार में रहूं या विपक्ष में, गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए संघर्ष करती रहूंगी। झांसी के मऊरानीपुर मेला ग्राउंड में आयोजित अपना दल एस की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में पिछड़ों को नीट पीजी का आरक्षण नहीं मिल रहा था, जिसकी संसद में आवाज उठाकर पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाया। पिछड़ों, गरीबों, शोषित वंचितों के लिए संघर्ष करती रहूंगी, चाहे सरकार में रहूं या विपक्ष में। अंत में उपस्थित लोगों से अपना दल इसको मजबूत बनाने का आह्वान किया। विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज आपका कार्यक्रम रहा है, आपका जो कार्यक्रम है कैसा कार्यक्रम है, कहां कहां आपके प्रत्याशी उतारे जाएंगे? संकल्प रैली की श्रृंखला का आयोजन पूरे प्रदेश के हर जनपद में किया जा रहा है और प्रदेश के हर जनपद में इसी प्रकार अपार जनसमूह अपना दल के विजय संकल्प रैली के कार्यक्रम में उमड़ रहा है, प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है और आज इसी क्रम में हम यहाँ मऊरानीपुर में आए हैं। आपके पार्टी के प्रत्याशी कहाँ कहाँ उतारे जाएंगे? यूपी में लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी सीटों के बंटवारे पे चर्चा चल रही है, जब उसका अंतिम स्वरूप सामने आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, तो आपको सबको सूचित किया जाएगा। जो अभी भारतीय जो सपा से जो अभी उनका समय बैठक हुई है, उनकी शिवपाल जी की, अखिलेश जी की, इस पे आप क्या कहेंगे? कोई परिवार एक हो रहा है तो इसमें हमें क्या समस्या हो सकती है, तो अच्छी बात है। कोई प्रभाव पड़ेगा कुछ इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 3 चुनाव में, बड़ी जागरूक जनता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो पूरे देश की नज़र होती है, पिछले 3 चुनाव के परिणाम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर मुहर लगाते हुए अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को चुनने का काम किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में एक बार फिर 5 साल की जो विकास यात्रा उत्तर प्रदेश की रही है, नए एक्सप्रेसवेज बने हैं, नए एयरपोर्ट्स बने हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, तो इस सब को देखते हुए एक बार फिर 2022 में अपना दल और भाजपा की सरकार को मौका मिलेगा। मऊरानीपुर की जनता की हमेशा मांग रही है मऊरानीपुर जिला बनाया जाए, इस बार हर बार आते हैं, आप वादे करके जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? अभी मेरे सामने ऐसी कोई मांग नहीं आई,